नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्लिम फिट एंड एब्स एक्सरसाइज बताऊंगा, यानी कि लोअर बैली को बहुत जल्दी रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज बताऊंगा। और ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों के एब्स को एक अच्छा जो है लुक देंगे, और साथ ही आप लोगों के जो स्लिम ट्रिम फिगर है उसको बनाने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने पेट को ऐसा स्लिम फिट फ्लैट बनाना और एक फिगर को एक अच्छा लुक देना, तो डेफिनेटली आप लोग इन सभी एक्सरसाइज को करना आज ही से स्टार्ट कर देंगे, और अभी से स्टार्ट कर देंगे, मैं इवन यही कह रहा हूँ। तो स्लिम फिट एंड एब्स के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आप लोगों के पास, इसमें आप लोगों को एक स्टैंडिंग रनिंग की तरह देखना है, लेकिन इसमें आप लोगों को अपने नीज को फोल्ड करते हुए जो है वो ऊपर की ओर लेकर आना, अपने चेस्ट की ओर लेकर आना है। तो इसमें आप लोगों को स्टैंडिंग एट रनिंग एट स्टैंडिंग पोजीशन आप लोगों को रखनी है, एक जगह पर आप लोगों को दौड़ना है। तो इससे क्या होगा, तो टोटल बॉडी वेट लॉस होगा, और साथ ही जब आप लोग नीज को ऊपर की ओर लेकर आ रहे हैं तो ये लोअर बॉडी बैली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। तो इसको आप लोगों को 40 सेकंड्स तक आप लोगों को एक जगह ही दौड़ना है, और ऐसा करने से आप लोगों की लोअर बैली बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है। दूसरी एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, खड़े होकर अपने क्रॉस, जैसे कि हम लोग बाइसिकल क्रंच करते हैं, क्रॉस आप लोगों को स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच करना है। इसमें आप लोगों को लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है ये, आराम आराम से एक पैर को उठाना है तो दूसरी जो हाथ की कोहनी है उससे आप लोगों को टच करना है। ये भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है, और इससे आप लोग जो है लोअर बैली और अपर बैली दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब आप लोग अपने पैर को उठाते हैं तो लोअर बैली जो है स्क्वीज होने लगती है और इंगेज होने लगती है, जब इंगेज होगी तो डेफिनेटली वो वहाँ का फैट जो है वो रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। तीसरी एक्सरसाइज जो है उस पर जाने से पहले आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग चलेंगे स्पाइडरमैन प्लांक की ओर, स्टैंडिंग स्पाइडरमैन प्लांक। स्टैंडिंग स्पाइडरमैन प्लांक क्या है, एक्चुअल में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प करती है। ऐसा करने से आप लोगों का साइड फैट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में वो साइड फैट की है, क्योंकि जो बैलीस के रूप में या हैंगिंग बैली के रूप में वो लटकने लग जाता है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को हेल्प करेगी। इसके लिए आप लोगों को दोनों हाथ जो है अपनी गर्दन के पीछे रखने हैं, एक पैर को का घुटना मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाना है, और उसी हाथ की कोहनी जो है उससे आप लोगों को टच करना है। ऐसा करने से आप लोगों का जो हिप का वर्कआउट है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ग्लूट्स जो हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, थाइज अच्छी हो जाते हैं, और लोअर बैली रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट फिर से ले लेते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है यानी कि नंबर फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो क्रॉस वी अप क्रंच होगी। क्रॉस वी अप क्रंच को भी आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए करना है। इस एक्सरसाइज को करना भी आसान है, इसमें आप लोग जो है अपनी मैट लीजिए और सीधे लेट जाइए। अब अपना एक पैर जो है उठाइए और क्रॉस हैंड और क्रॉस लेग, यानी कि विपरीत पैर और विपरीत हाथ को आप लोगों को इस्तेमाल में लेना है। इसके लिए आप लोग जो है दोनों हाथ और पैर जो है क्रॉस वाले एक साथ उठाएं और आपस में टैप करने की कोशिश करें। इसमें आप लोगों की जो गर्दन है वो भी थोड़ी उठी हुई होगी, ये देखिए, जब लेफ्ट लेग के साथ आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग जो है गर्दन भी आप लोग उठा कर करें, और इसमें आप जो है एब्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो कितने एंगेज हो रहे हैं वहाँ पर, और आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट, और ये नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्रंच लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, क्रंच करना है लेफ्ट एंड राइट, और इस क्रंच करने के लिए आप लोगों को एक योगा मैट की ज़रूरत होती है, आप लोगों को पता है, 40 सेकंड के लिए करना है, और काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है राइट साइड में। अपने दोनों घुटनों को मोड़िए और गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखिए। अब आप लोगों को सांस छोड़ते हुए जो ऊपर की ओर उठना है और लेफ्ट टर्न करना है, फिर नीचे की ओर जाना है, फिर राइट टर्न करना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एंड राइट जो है क्रंच आप लोग कर रहे हैं। तो कितना आसान है, लेकिन अगर आप लोग अपने एब्स देखें तो ये जो सलवटें हैं जब आप लोग ऊपर की ओर आते हैं तो आप लोगों की सलवटें जो हैं बताती हैं कि एब्स कितने इंगेज हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज
छठी एक्सरसाइज में जाने के लिए आप लोगों को करना है, छठी एक्सरसाइज है हाफ लेग रेज। हाफ लेग रेज में आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैर जो हैं अपने हिप्स के नीचे रखिए और अपने पैरों को एक निर्मित डिग्री जो है निर्धारित डिग्री ऊपर उठाइए आप लोगों को, यानी कि 32-40 डिग्री आप लोगों को उठाना है। इसमें आप लोग देखिए कि आप लोगों की लोअर बैली जो है वो कितनी एंगेज हो रही है और आप लोगों के एब्स जो है वो कितने जो है सुंदर बनने वाले हैं। तो इससे आप लोग जो है अपनी लोअर बैली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लोअर बैली पर इस ऐसी एक्सरसाइज करने से आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ने लगेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग अपने गर्दन को भी थोड़ा सा अपने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है हाफ लेग रेज। अब आप लोगों को आराम करना है, यानी कि रेस्ट करना है, रेस्टिंग टाइम चल रहा है, और उसके बाद में आप लोगों को करनी है नी टक क्रंचेस। तो ये जो है एक्सरसाइज होगी आप लोगों की 7वें नंबर की। 7th नंबर की एक्सरसाइज है नी टक क्रंच। नी टक क्रंच में आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को जो है आपस में चिपका लेना है, मैट बिछा लेनी है, सीधा लेट जाना है। अब अपने दोनों हाथ जो है अपने सर के पास रखें, यानी कि अपने ईयर के पास रखें। अब क्या करना है आप लोगों को, अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए और अपने दोनों हाथों को जो है जैसे विंग्स जो होते हैं वैसे फैलाते हुए या आपस में स्क्वीज करते हुए जो है घुटनों के पास लेकर आना है। तो दोनों को एक साथ करना है। ऐसा करने से आप लोगों की जो है कोर जो मसल्स है रेक्टस एब्डोमिन वो ज़्यादा इंगेज रहती है और आप लोगों का बैली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो नी टक क्रंच को भी आप लोग 40 सेकंड्स के लिए कीजिए, उसके बाद में आप लोग कर लीजिए 10 सेकंड का आराम। अब आप लोगों के पास है रेस्ट और टाइम चल रहा है, और उसके बाद में हम लोग करते हैं रिवर्स लेग क्रंच। रिवर्स लेग क्रंच को आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए। और ऐसा कैसे करना है आप लोगों को, अपने दोनों पैर दोनों हाथ जो है वो हिप्स के नीचे रखिए और हिप्स को अपने दोनों घुटनों को आपस में मोड़ लीजिए। और अब आप लोगों को ऊपर की ओर जो है स्क्वीज अपने ऊपर की ओर जो है पैरों को करना है। तो इसमें आप लोगों को जैसे कि आप लोग हलासन करते हैं कि दोनों पैर जो है जस्ट सर के ऊपर से आए, यानी कि लोअर बैली जो है अपर बैली की ओर जानी चाहिए। तो ऐसा करने से आप लोगों का रिवर्स क्रंच पूरा हो जाता है 40 सेकंड के लिए और आप लोगों की लोअर बैली फैट को रिड्यूस बहुत जल्दी किया जा सकता है रिवर्स क्रंच से। तो ये हो गया 40 सेकंड का वर्कआउट। अब 10 सेकंड का फिर से रेस्ट आप लोगों को मिल जाता है और 10 सेकंड के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि सीजर किक्स में। सीजर किक्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के लोअर बैली फैट को रिड्यूस करने में, और अगर आप लोगों को अपनी कोर मसल्स को एंगेज रखना है तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठाना होगा। सीजर किक्स में आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथ जो है हिप्स के नीचे रखिए और लेग्स को अप एंड डाउन कीजिए। एक निर्धारित डिग्री पर ही आप लोगों को अप्स एंड डाउन करने हैं, पूरे ऊपर लेकर नहीं आना है, ठीक है। लेकिन दो गर्दन को भी आप लोगों को उसी मैनर में आप लोगों को ऊपर उठाना है। इसमें आप लोगों की जो बैली है उसको आप लोगों को इंगेज रखना है, यानी कि थोड़ी टाइट होने लग जाएगी आप लोगों की बैली। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की बैली इंगेज रहती है तो आप लोगों का फैट वहाँ का गायब होने लगता है। सीजर किक्स कंप्लीट हो चुकी है, रेस्टिंग टाइम चल रहा है और अब आप लोगों को करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले 10 सेकंड का आराम है और फिर चलते हैं टेबल टॉप क्रंच की ओर। टेबल टॉप क्रंच में क्या करना है आप लोगों को, अपने दोनों पैरों को आपस में बाइंड करना है, ठीक है। और उसमें बाइंड करने के बाद में आप लोग क्या करें, अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखें और क्रंच करना है, आप ऊपर की ओर उठना है। तो इसमें दोनों पैर जो आपस में बंधे हुए रहेंगे लेकिन घुटना मुड़ा हुआ रहेंगे, सरफेस पर नहीं रहेंगे। इसको आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए करना है। ऐसा करने से आप लोग जो है अपने एब्स मसल्स को बहुत सुंदर बना सकते हैं, निखार सकते हैं, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे पूरा का पूरा जो है आप लोगों की बैली जो है वो इंगेज रहती है। तो जिनसे नहीं हो एक्सरसाइज वो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह के बिना एक्सरसाइज नहीं करें। अब फिर से आ जाता है रेस्ट टाइम और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि नंबर 11 वी एक्सरसाइज, यानी वी अप क्रंच की ओर। और ये वी अप क्रंच जो है करने के बाद आप लोगों को मिल जाता है हमारे वीडियो से छुटकारा। आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप पर दूसरों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट आप लोगों को मिल चुका है अपनी बैली को फैट को रिड्यूस करने में। तो वी अप क्रंच कीजिए। अब वी अप क्रंच करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो अपने पैरों को एक निर्धारित डिग्री पर उठा लीजिए, दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रख लीजिए और अप क्रंच कीजिए। अप क्रंच करने से आप लोगों को लोअर बैली को रिड्यूस करने में टाइम मिल जाएगा और आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।